जैसे एग्जांपल इज दैट टू इलस्ट्रेट दिस अप्रोच लेट अस अस्यूम दैट अ लैंड कंटेनिंग ओर इज परचेज आउटराइट ड्यूरिंग 1994 फॉर 2 लाख and the land is expected to be worth 60,000 after an estimated 35,000 of ore are removed. The formula for determining the cost per ton of ore is as follow. Okay? So, बुनियादी तौर पे आपने कोई ore deposit लिया है या आपने coal लिया है, ठीक है? तो जिस तरह हम कोयले की कान नहीं खरीद लेते, तो इसका मतलब है कि कोयले की कान जो है वो जमीन के ऊपर यानी कि आपको मिलेगी. जब once you are going to extract all of the coal from the mine, okay, so then you will be having a piece of land and this is the piece of land to whom you can sell it. Okay, so yahan pe jo hamara formula hai land cost, it means that land cost containing the minerals fine minus residual value. So what you can realize is that the terminating point by selling the piece of land after extracting all of the items in it divided by estimated units. Okay, so humne kaha ke humne ek और डिपॉजिट खरीदा है जिसकी टोटल वर्थ है 200,000 एंड 60,000 वी कैन रियलाइज इट बाय सेलिंग द पीस ऑफ लैंड एट द टर्मिनेटिंग पॉइंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द 35,000 टन्स ऑफ ओर विल बी एग्जिस्टेड ओवर देयर. तो 2 लाख माइनस 60,000 विल बी इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 35,000 टन. सो द रेट पर टन ऑफ डिप्लीशन इज 4. सो इफ यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट 1 टन ऑफ ओर फाइन देन द वैल्यू ऑफ योर ओर डिपॉजिट विल रिड्यूस बाय That is of $4. Okay. अब वो यहाँ पे कहता है कि 10,000 ton of ore were mined during the first year. Depletion of 40,000 will be recorded. So 10,000 को we have multiplied with 4. Okay. So total हमारा जो यहाँ पे बना वो है ore depletion is debited by 40,000 and accumulated depletion of ore deposit is that is of 40,000. So ore depletion is recorded in the income statement as an expense. However, accumulated depletion is used to determine the net book value of ore deposit and that will be shown in your balance sheet. Okay. अब उसके बाद वो कहता है should the estimate of ore reserve change as the mining operation progress, the cost per unit will be adjusted. If, for example, it appears by the end of the second year that there will be 5,000 fewer ton of ore than was originally estimated, the depletion cost on per ton will be increased to 5. Will be increased to 5. अब वो कैसे होगा? उसने कहा कि लेट्स सपोज हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस ओर के अंदर जो हमसे जो ओर डिपॉजिट में से जो चीजें मिलेंगी वो हमें 35,000 टन मिलेंगी, ठीक है. बट आफ्टर एक्सपेक्टिंग 10,000 टन ऑफ ओर, ठीक है, हमें ये पता चला कि इसमें जो है वो कम से कम अभी हमें 5,000 टन जो है वो कम मिलेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम होगा. तो 35,000 माइनस 5,000 इसे कर दें तो टोटल आपका यानी कि 35,000 में से 10,000 आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर चुके हैं तो रिमेनिंग कितना होगा, ये 25. अब 25 में से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 इसमें से मजीद नहीं निकलेगा, तो अब जो निकलेगा वो कितना है, दैट इज ऑफ 20,000. ओके, सो नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट, दैट इज लैंड कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर्ड. ओके, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूनिट्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेकंड ईयर. ओके, अब इसके अंदर आप देखो तो 2 लाख माइनस 60,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 है, तो हमारे पास रिमेनिंग वर्थ ऑफ द माइन इज दैट इज 100,000 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 20,000 यूनिट्स हमें मिलेंगे. तो हमारा जो रेट आएगा पर टन का, अब जो नया रेट आया दैट इज ऑफ $5 पर टन. अब उसके बाद कहता है अस्यूमिंग दैट 10,000 टन ऑफ ओर वर माइंड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर द एंट्री वुड बी ऑफ 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी इक्वल टू 50,000. ठीक है, द रिमेनिंग कॉस्ट असाइनेबल टू नेचुरल सोर्सेज सिंपली स्प्रेड ओवर द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूनिट एट द पॉइंट इन टाइम. जी देखें जी, इसमें आपको कोई बात समझ लगी है कि नहीं समझ लगी है, कुछ नहीं समझ लगा इस प्रोसेस में, दैट हाउ वी कैन चार्ज द डिप्लीशन. तो वी आर यूजिंग द टर्म ऑफ डिप्लीशन इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द वेस्टिंग एसेट और द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में रिडक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो है इसको करते हैं. जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या कहते हैं, समझ आ गया है? जी चलो, ओके, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ लगना शुरू हो गया. चले जी, उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा अमोर्टाइजेशन. ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन बुनियादी तौर पे क्या है, वी आर गोइंग टू यूज द टर्म ऑफ अमोर्टाइजेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेनेवर वी वुड लाइक टू रिकॉर्ड अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द इनटेंजिबल एसेट्स. ठीक है, so in order to record a reduction in the value of the intangible assets we are required to what we can say that we are required to use the term of that is amortization. theek hai,
अच्छा, अब तक जो हमने डेप्रिसिएशन के हवाले से मेथड देखा और जो हमने डिप्लीशन के हवाले से मेथड देखा, तो वहां पर हमने अलाउंस अप्रोच को देखा, या जिसे क्या कहते हैं एस्टिमेटेड अप्रोच को देखा. जस्ट लाइक वी आर नॉट गोइंग टू यूज द डायरेक्ट राइट ऑफ अप्रोच व्हाइल चार्जिंग द डेप्रिसिएशन. जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डायरेक्ट राइट ऑफ अप्रोच को फॉलो नहीं करते. फॉर इंस्टेंस, डायरेक्ट राइट ऑफ अप्रोच का मतलब ये है कि जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की तो आपने ट्रांजेक्शन की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है. इंस्टेड क्या आप करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड यू कैन से दैट इज एसेट इज गोइंग टू बी क्रेडिट. तो हम कभी भी एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करते. तो टेक्निकली, ठीक है, व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डू सो, बिकॉज वी आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट, ठीक है. तो इस वजह से हम अलाउंसेस फॉर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट यूज करते हैं. तो इसी तरह से हमने अभी नेचुरल रिसोर्सेज में भी देखा कि हमारा जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट थी 35,000. आफ्टर एक्सपेक्टिंग 10,000 टन ऑफ आउटपुट, अब हमारा ख्याल हुआ कि नहीं, अब रिमेनिंग इसमें 25,000 नहीं होगी बल्कि इससे भी कम हो जाएगी, और वो कितनी है, दैट इज 5,000 टन हमें कम मिलेगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे अगर एक्युमुलेटेड डिप्लीशन को यूज कर रहे थे तो देन वी वर हैविंग एन ऑप्शन टू रिवाइज द रेट. लेकिन अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे ओल्ड डिपॉजिट को रिड्यूस कर देते, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग एक्युमुलेटेड डिप्लीशन, हम स्टेट ऑफ एसेट को रिड्यूस कर देते, तो देन इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रिवाइज द रेट, ओके. लेकिन ये जो अमोर्टाइजेशन है, अमोर्टाइजेशन के अंदर हम डायरेक्ट राइट ऑफ अप्रोच यूज करते हैं. वी आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट डायरेक्टली, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रा. सो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द कॉन्ट्रा ऑफ द प्लांट एसेट, हाउएवर एक्युमुलेटेड डिप्लीशन इज द कॉन्ट्रा ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और द वेस्टिंग एसेट. In case of amortization, you can straight away, you can say that is, you can straight away write off the asset from your books of account by the end of every year. For instance, वो कहता है जी कि हमने 50,000 रुपए दिए हैं और हमने अपने पेटेंट रजिस्टर्ड कराए, हमने अपने फॉर्मूला रजिस्टर कराया और उस प्रोसेस में वी हैव पेड 50,000 रुपीज, ठीक है, एंड वी कैन यूज दिस राइट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो स्टेट अवे उसने 50,000 को 5 पे डिवाइड किया और 10,000 रुपए उसके पास जवाब आ गया. तो इसका मतलब है every year you are required to reduce the value of your asset by 10,000. So patent amortization expenses debit and patent credit. So isme ab hum kya kar rahe hain, straight away assets ko reduce kar rahe hain. To agar main aap logon se puchu ki yahan pe iski kya reason hai ki amortization ke andar to jo hai wo direct right of approach use kar raha hai, jabki aapka jo depletion hai ya jo aapka depreciation hai usme wo direct right of approach use nahi karta, बल्कि वो क्या यूज करता है, वो यूज करता है आपका इनडायरेक्ट वे, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ कंट्रा ऑफ द एसेट. इफ एनीवन वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड इन दिस सिचुएशन, समीरा अहमद क्या कहती हो तुम, व्हाट इज योर ओपिनियन? जी समीरा, आर यू स्लीपिंग? आपने सिर्फ इसको ऑनलाइन करके गुम हो गए हो. उसामा सतार क्या कहता है? जी फातिमा शौकत क्या कहती है? मोहम्मद जीशान क्या कहता है? भाई मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज करते हैं, तो टेक्निकली वी आर गोइंग टू क्रिएट द कंट्रा ऑफ द एसेट, ओके. इसी तरह डिप्लीशन चार्ज की तो वी हैव क्रिएटेड द कंट्रा ऑफ द एसेट इन द फॉर्म ऑफ एक्युमुलेटेड डिप्लीशन. बट व्हाई वी हैव डायरेक्टली राइट ऑफ द इनटेंजिबल एसेट्स, हमने स्टेट अवे का पेटेंट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एंड पेटेंट क्रेडिट. जी क्या ख्याल है आपका इसमें? लो अली एजाज मिसवान कह रहा है कि आप ये बताएं कि ऐसा क्यों नहीं करते, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब कोई नहीं देता. आवाज यार अपने माइक खोल लो, ऑन करो. माइक ऑन कर लें, क्या इशू है? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम, कौन हो? मैं सर शाहिद बात कर रहा हूँ. जी शाहिद भाई क्या कहते हैं आप?
सर इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते सर, उनके हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं, जैसे हमारे पेटेंट्स हो गए या मैं कॉपीराइट क्लेम जो करते हैं, मतलब हम किसी से कोई चीज़ अगर लाइसेंस वगैरह लेते हैं तो उस पर हम अमोर्टाइजेशन ही चार्ज करेंगे ना, कि हमारा लाइसेंस इतने साल में हमारा एक्सपायर हो जाएगा और हमने दोबारा उसे रिन्यू करवाना। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ पे ये था बुनियादी तौर पर शायद कि हम यहाँ पे जो है अलाउंसेज अप्रोच को क्यों नहीं यूज करते, या जैसे आप कहते हैं कि जिस तरह अभी हमने जो है डिप्रिसिएशन और डिप्लीशन के केसेस में एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, वहां पे हम स्ट्रेट अवे डायरेक्ट राइट ऑफ अप्रोच यूज नहीं करते, वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द एसेट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट बट व्हाइल वी आर गोइंग टू रिड्यूस द एसेट डायरेक्टली व्हाइल चार्जिंग द अमोर्टाइजेशन। मेरा सवाल ये है सर, बिकॉज ऑफ दैट के हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं और ये यूजली डायरेक्टली क्रेडिट होते हैं ना, क्योंकि हमारे जो पेटेंट्स हैं वो उन पे हम कोई चीज़ कंट्रा अकाउंट नहीं बना सकते ना, हमें नहीं पता सर कि वो उसमें कितनी डिडक्शन करनी है, वो कितना यूजेज वैल्यू हो जाएगा, वो यूजेज तो नहीं होते ना हमारे। अच्छा जी, और बताएं जाजेब लापर साहब, हमजा खान साहब, मंजूर सुमरा साहब, हैं जी आप साहब हैं इस क्लास के अंदर, सैयद मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद निशान साहब, हमारा शौकत साहिबा है जी, फातिमा शौकत साहिबा, ये कोई तो बताए इसके अंदर कि क्या होता है। जी मंजूर सुमरा क्या कहता है भाई, यार जल्दी जल्दी बताओ, मैंने आगे चलना है और कई काम करने हैं। कहते हैं दोबारा क्वेश्चन करें, नेट डिस्कनेक्ट हो गया, और जो लोग क्लास में हैं वो तो कम से कम बता दें कि भाई ये हैं। अली अयाज मिसवान का है, वो कहते हैं सर आवाज़ नहीं आ रही, किसकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? जी जी सर मैं हाजिर हूँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है, मैं सोच रहा हूँ। अली अयाज मिसवान सर, इन पे हमने टैक्स भी तो पे करना होता है, टैक्सेबल इनकम जो हमारी होती है, तो ये मोर देन वन ईयर के बाद हमारे पास इन पे हम टैक्स भी पे करते हैं, तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली चार्ज कर लेंगे। टैक्स तो फिर प्रॉपर्टी में भी होता है। नहीं नहीं यार, काम की बात करूंगा सर, ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के सेम मैनर्स में सर जब दी गई होती है कि 5 साल के बाद सर इसकी यानी कि वो खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से सर हम ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन सर इस पे चार्ज करते हैं टाइम बेसिस के हिसाब से। ओए खुदा का खौफ खा, अल्लाह ताला से डर है तेरे ऊपर जो है ना, आसमान ना आ गिरे, ऐसी अजीब अजीब बातें कर। नहीं नहीं सर, चलो ठीक है, तुमने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट तो किया ना कम से कम, you are far better than the other people who are just like dead। sir isko amortization ko sir dekhen, maine ek baat maine aapko ye kahi sir, hum contra tab banate hai na jab hame koi galti ki gunjayish ho to hum use reverse kar sake। ha theek hai to sir isme apna gunjayish hai nahi hoti hogi patent mein inme apna intangible assets mein। चलो मेरी काम की बात जो है ना अपने पल्ले बंद हो, चलो कुछ इसने अली उस्मा अयाज ने कुछ हमें बताया भाई। मंजूर सुमरा साहब आप किधर हैं, सिर्फ ऑनलाइन शक्ल दिखा के गुम हो जाते हैं, अच्छा भाई सर ऑनलाइन है पर ठीक है मैं भी ऑनलाइन हूँ, चलो अपना अपना काम करते रहो, क्रिकेट खेलते। सर एक दूसरी बात ये है कि सर हम ये जो एसेट सर हमारा है पेटेंट सर, सर इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्टली क्रेडिट क्यों करते हैं सर? भाई ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछिए जा रहे मैं आपसे सर यही बात सर क्या समझ नहीं आ रही सर। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ आपको अभी, चले आप बाकी के सब लोग ना जरा मेरी बात को गौर से सुने। देखें बात ये है, मेरा सवाल ये था कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त और डिप्लीशन चार्ज करते वक्त उनके कॉन्ट्रा अकाउंट क्यों बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ एक्युमुलेटेड डिप्लीशन। ठीक है, तो उसका बुनियादी तौर पे एक सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि जिस चीज़ के हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं
तो डेप्रिसिएशन जो है वो अंदाजे से चार्ज की जाती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप किसी बिल्डिंग का एनालिसिस करते हैं, तो आप जो है उसके टेस्ट वेस्ट करने के बाद आप कहते हैं मेरे ख्याल के मुताबिक इस बिल्डिंग की लाइफ 40 साल है, ठीक है। मैं भी एक इंजीनियर हूं, मैं भी आपकी बिल्डिंग के टेस्ट करता हूं और टेस्ट करने के बाद कहता हूं मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी बिल्डिंग की लाइफ 20 साल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेप्रिसिएशन का प्रोसेस है जो एस्टिमेट्स के ऊपर बेस कर रहा है, कैन बी ओवर एस्टिमेटेड, कैन बी अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है। इसका एस्टिमेट ओवर भी हो सकता है और इसका एस्टिमेट अंडर भी हो सकता है, ठीक। तो जब हम अंदाजे की बेसिस पे करते हैं तो उस वक्त हम जो है ये जो हमारा होता है जस्ट लाइक आपने स्ट्रेट लाइन में मेथड में देखा था, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सॉल्वेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड लाइफ और डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ, तो अंदाजा कम या ज्यादा हो सकता है। तो जब आप अपने अंदाजे में कमी या बेशी करते हैं तो आपको रेट रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अलाउंसेस अप्रोच को यूज किया होगा तो आपके लिए आसानी होगी एंड यू कैन इजीली बी एबल टू एडजस्ट इट, एक रीजन। अब रीजन नंबर टू बुनियादी तौर पे ये है कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू वन कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनोवेशन, ठीक है, चैप्टर 8 सेक्शन 8 जिसमें मैंने आपको रेनोवेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जब हम बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे थे तो एंट्री क्या कर रहे थे, तो हम डेबिट कर रहे थे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे थे और कैश को क्रेडिट कर रहे थे। हमने बिल्डिंग को डेबिट नहीं किया था, हमने कैश को क्रेडिट किया था पर बिल्डिंग को डेबिट नहीं किया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सम कॉन्ट्रा अकाउंट वाज अवेलेबल टू होम, वी हैव रिड्यूस्ड इट बिकॉज ऑफ सम स्पेंडिंग। इन दिस वे वी हैव रीएस्टिमेटेड द लाइफ ऑफ द न्यू एसेट एंड देन वी हैव कंप्यूटेड द न्यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी हमने डिप्लीशन के हवाले से देखा कि जब हमने कोल माइन को खरीदा, लेट्स सपोज ये कोयले की काम थी जिसको हमने खरीदा, तो वी वर एक्सपेक्टिंग 35,000 टन्स ऑफ कोल इसके अंदर होगा, ठीक है। लेकिन जब हम 10,000 टन कोयला निकाल चुके तो हमें पता लगा भाई इसके अंदर रिमेनिंग 25 नहीं होगा, बस 20,000 टन के करीब होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमने अब तक डिप्लीशन चार्ज की थी, अब हम उसकी बेसिस के ऊपर अपने एस्टिमेट को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो जब हमने एस्टिमेट रिवाइज किया तो हमारा रेट ऑफ डिप्लीशन भी क्या कर गया, रिवाइज कर गया। बट दिस विल ओनली बी पॉसिबल एट दैट पॉइंट इन टाइम इफ वी बिलीव ऑन दिस ऑन द कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ द एसेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रिवेन्यू केस में और डेप्रिसिएशन के केस में एसेट की लाइफ कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अंदाजा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या हम उस पर रेनोवेशन करें तो उससे उसकी लाइफ के अंदर इजाफा हो जाए, तो अगेन देयर इज अ नीड टू रिकम्प्यूट द न्यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन ये जो पेटेंट होते हैं ना, इसके अंदर लाइफ इज फिक्स्ड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन यू कैन से दैट एस्टिमेट, ये अंदाजों पे नहीं होते, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप यू फोन की फ्रेंचाइज खरीदते हैं तो उसका जो लाइसेंस खरीदने के आप पैसे देते हैं तो उसका मतलब है दिस लाइसेंस इज ग्रांटेड टू यू फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 4 years, 5 years विच इज फिक्स्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। तो इसका मतलब है कि इस जो इंटेंजिबल एसेट है ना इसकी कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है, ना इसकी कोई रेनोवेशन हो सकती है जिससे इसके लाइफ के अंदर इजाफा हो जाए। तो जब हम चीजों के बारे में सर्टन होते हैं तो देन एट दैट पॉइंट इन टाइम इट इज बेटर टू यूज द डायरेक्ट राइट ऑफ अप्रोच इन ऑर्डर टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रा। तो ये जो पेटेंट है ना, इसकी लाइफ 5 साल ही है, ठीक है। जिस दिन से आपको ग्रांट किया गया उस दिन से 5 साल गिन लेंगे, बस खत्म। इसमें 5 साल एक दिन भी इसकी लाइफ नहीं है। तो दैट इज वाई वट वी आर गोइंग टू डू इट, कि अब हमें चांसेस हैं कि हम इसकी लाइफ को रिवाइज नहीं कर सकते या हम ज्यादा पैसे दे के रिवाइज नहीं कर सकते। वी ऑलवेज गेटिंग अ न्यू लाइसेंस, ठीक है, वी आर ऑलवेज गेटिंग अ न्यू लाइसेंस, ठीक है। एंड लाइसेंस इज ऑलवेज बी ग्रांटेड फॉर अ पर्टिकुलर टर्म। इसी तरह से कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, तो इसकी एक लाइफ है, ठीक है। तो जो इसकी लाइफ है कॉरेस्पॉन्डिंगली यू आर गोइंग टू चार्ज द अमॉर्टाइजेशन इन दिस केस, ओके। तो ये बुनियादी तौर पर यहाँ पे था कि हम जो है वो इसकी अमॉर्टाइजेशन को क्यों ऐसा चार्ज करते हैं। जी ठीक है जी, ये हमारा था सारे का सारा टॉपिक, ठीक है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जो है अब इसके जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन तमाम क्वेश्चन को खड़का दो, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि ये जो है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के हवाले से उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये क्वेश्चन है 8B12, मैं जरा इसको पढ़ना चाहता हूँ। कहता था डुपर कंपनी परचेज द ट्रक ऑन जून 28, 1994 एट अ कॉस्ट ऑफ 24,000
The truck has an estimated life of 6 years and an estimated salvage value of 3,000. The company employs a sum of year-to-year method of depreciation. Taken. Can the record depreciation for the year ended December 31st, 1994 and 1995. Above ye asset jo hai June 28 ko khareed rahe hain. Theek hai. तो जून 28 को आपने इस एसेट को खरीदा तो 24,000 रुपए इसकी कॉस्ट है, 3,000 सॉल्वेज वैल्यू है, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी बनी 21,000. तो 6 को 6 के जरा जमा करें, 6 जमा 5 11 जमा 4 15 जमा 3 18 जमा 2 20 और 1 21, तो इसका मतलब 21 हो जाएगा. 6 by 21 multiplied by 21,000, तो ये 1,006, इसका मतलब पहले साल की डेप्रिसिएशन 6,000 होगी. लेकिन वो कहता है कि आपने जून 28 को इस एसेट को खरीदा था, 1994 को खरीदा था, तो इसका मतलब है कि नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर दैट इज फॉर 6 मंथ. तो 6,000 को 6 by 12 करते हैं, तो इसका मतलब 3,000 विल बी चार्ज इन 1994 और जो रिमेनिंग 3,000 इट विल बी चार्ज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1995. अब 1995 में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 5 by 21 और मल्टीप्लाइड बाई 21,000 करेंगे तो 5,000 आएगा. 5,000 में से हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन लेंगे 2,500. ठीक है, तो टोटल आपके पास बन जाएगी 2,500 फॉर द सेकंड हाफ एंड 3,000 फॉर द फर्स्ट हाफ. इन दिस वे यू हैव टू चार्ज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 5,500 बाय यूजिंग द सम ऑफ योर डिजिट मेथड. सेकंड रिक्वायरमेंट कहता है रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फॉर 1994 एंड 1995, अस्यूमिंग दैट द कंपनी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ फिगरिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द ईयर क्लोजेस्ट टू द परचेज डेट. ठीक है, अब इसका जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि अगर तो कंपनी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में जब भी परचेज करेगी, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर मीन दैट फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून, ठीक है, तो 1 जनवरी से लेके 30 जून तक जब मर्जी परचेज करे, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर. यू आर रिक्वायर्ड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर. आप 7 साल के डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है. तो इवन दो द कंपनी हैज परचेज दिस एसेट ऑन June 28, ठीक है, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर द हाफ ईयर, रादर यू हैव टू अस्यूम दैट यू हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर. बट इफ द कंपनी इज गोइंग टू बाय एन एसेट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, अगर वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर खरीदते, मतलब 1 जुलाई को खरीदते 2 जुलाई को खरीदते, then you are not required to charge the depreciation in that year, rather you are required to charge the depreciation only for the next year, that is 1995. ठीक है, तो अभी इसमें पहले साल की depreciation इसके तहत आ जाएगी 6,000 और दूसरे साल की depreciation आ जाएगी 8,000. ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे इसमें था एक क्वेश्चन. अच्छा जी, उसके बाद अब इसका जो है उन्होंने कुछ थोड़े से ये हमें दिए हुए हैं, ये कुछ ये करें 8.1 8.2 को सॉल्व करें और खास तौर के ऊपर ये जो आपको दिया हुआ है उन्होंने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एनालिस्ट जैसे ट्रायल बैलेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज एज शोन हियर, ठीक है, फॉलोड बाय एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इसमें उन्होंने आपको दिया हुआ कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, लैंड है, मशीनरी है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, ठीक है, तो ये उन्होंने आपको दी हुई है चीज़ें. तो इसको ज़रा थोड़ा सा देखिएगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसमें उन्होंने सारी जो है ना वो बुनियादी तौर पे इन्होंने डिस्कस किया कि ऑल मशीनरी वाज परचेज ड्यूरिंग January 1993, एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 ईयर विद अ सॉल्वेज वैल्यू 1600, द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड डेप्रिसिएशन इज यूज्ड, ऑटोमेटिक इक्विपमेंट वाज परचेज ड्यूरिंग 1995, एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 ईयर, द सॉल्वेज वैल्यू 4,000, the straight line time depreciation method is used and the building occupied during January 1992, estimated life is 25 years with scrap value of 18,000, the depreciation method is used 150% declining. तो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में एक इलस्ट्रेशन डिस्कस किया था जिसमें 200% declining, 150% declining और 100% declining क्या होता है. तो आप इसके तहत इन तमाम की depreciation को compute करेंगे and then you are required to prepare an income statement and a balance sheet. ठीक है, तो ज़रा इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर आपसे मिलेंगे एंड इंशाल्लाह टुमारो देयर विल बी अ क्लास एट 3 o'clock. आई विल ट्राई टू मैनेज दिस क्लास ऑन टाइम. ठीक है, अब आप ऐसा करो कि मुझे जो है ना अपना वो दे दो अटेंडेंस.
अच्छा जी बताओ, 1 से लेकर 10 तक कौन कौन से लोग आज कर रहे थे? वन टू टेन कितने लोग प्रेजेंट हैं? कोई प्रेजेंट नहीं है जी? दोबारा से बताइएगा जरा मुझे, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन जरा थोड़ी सी हाफ थी जी। दोबारा से बताइएगा, 1 to 10। वन टू टेन छुट्टी है? कोई नहीं है। 10 है, 3 है, 10 है, उसके बाद बस 3 और 10 दो ही है। 11 to 20 कितने हैं? 11 है, 12 है, 17 है, 19 है, और उसके